राम जी, कैसे हो आप साहब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो ड्राइंग रूम है उसकी क्लीनिंग और उसका जो मेकओवर है वो शेयर करूंगी। मतलब जो मेरे पास घर पर ही जो सारी चीज़ें हैं, स्पेशल हम कुछ भी नहीं लेकर के आए हैं, तो उसी से जो ड्राइंग रूम है उसका मेकओवर करेंगे। और क्लीनिंग और मेकओवर से पहले मैं इसका एक बार आप लोगों को टूर दूंगी, और फिर जो क्लीनिंग और मेकओवर होगा उसके बाद मैं आप लोगों को इसका जो टूर है वो दूंगी। ठीक है, तो चलिए कैमरे को लगा देते हैं और अपना जो काम है वो शुरू कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब ये इस तरह से है, ये देखिए सोफे के जो कवर हैं वो धुलने के लिए डाल रखे हैं, धोने पड़ेंगे। और अलमारी पे हालत बहुत बुरी हो रखी है, मतलब सामान बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, रखा हुआ नहीं है, कुछ भी पड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि जो सोफे के कवर है वो काफ़ी गंदे हो रखे हैं, धुलने हैं तो धुलूंगी, फिर वो सूखेंगे भी तो टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, और पहले मैंने बच्चों की जो ड्रेस है वो धुलनी थी वो डाल दी, और दो चार जोड़ी कपड़े जो ज़रूरी थे वो डाल दी, उसके बाद मैं जो सोफे के कवर है वो धो लूँगी। और मशीन लगाने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि साथ साथ में कपड़े धुलते रहेंगे और साथ साथ में मैं अपना यहाँ पर जो क्लीनिंग का काम है वो कर लूँगी। और मास्टर जी आए हैं स्कूल से, तो पहले मैं करूंगी पंखा साफ। वैसे तो मैंने अभी किया था रक्षाबंधन से एक दो दिन पहले ही, उस दिन लगा करके गए थे। थोड़ी सी हमने इनकी पाइप है ना वो नीची करवाई है, क्योंकि काफ़ी ऊंचे थे, लेकिन फिर भी ना धूल बहुत ज़्यादा थी अब भी इसके ऊपर। तो एक बार मैंने सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर दिया, और अब ये जो चुनरी है उससे इसको अच्छी तरह से पोंछ दिया है। और उसके बाद फिर बीच में मैंने जो दीवारें हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर ना जाला लगा हुआ था, वो भी अच्छी तरह से साफ़ कर दी है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है पेंट, क्योंकि ये जो लैंप लगवाए हैं ना ये हमने बाद में लगवाए थे, और यहाँ पर पहले दोनों साइड होल्डर थे उनकी शेप अलग थी, इन लैंप की जो शेप है वो अलग है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो निशान है वो मतलब दिख रहे थे, अजीब सा लग रहा था। तो मैंने जो जैसा दीवार के साथ जो मैच करता पेंट है वो ले लिया है, वाइट मेरे पास है। और ये ग्रीन सा मैंने थोड़ा सा रखवाया था उस टाइम पे, मतलब जैसे लॉबी की दीवार है उसका भी है, और बेडरूम की दीवार का भी, और ये जो ड्राइंग रूम की दीवार है इसका भी। तो तीनों जो कलर है वो थोड़े थोड़े रखवा लिए थे, क्योंकि कहीं हाथ वगैरह लग जाए फिर बच्चे कर देते हैं गंदी, तो वहाँ पर भी मैंने कर दिया है। खत्म सूखने के बाद वो सेम होता हो गया था। माँ तक लाएगी और मम्मी का थक्कर आ गई और किसकी और इस पे मम्मी जरूर अब हंसने का बोलाएगी, है ना मम्मी? तो अब यहाँ पे ये राधे की फ़ोटो लगी हुई है, इनको भी मैं साफ़ कर दूंगी। जय की एक ही फ़ोटो बनवाई थी और वो अब मिल नहीं रही, नीचे थे तब तक तो वो लगी हुई थी, बाद में पता नहीं भी कहाँ मैंने ढूंढ भी ली, मिल ही नहीं रही है। तो वो मिलेगी तब लगाऊंगी मैं यहाँ पे। मैंने चार वो लगवा लिए थे चारों फ़ोटो के लिए। और यहाँ पे अब ये जो पेंटिंग लगी हुई है इसको भी साफ़ कर लिया है, और अब जो खिड़की है उनको अच्छे से साफ़ करूंगी। और सबसे ज़्यादा टाइम खिड़की साफ़ करने में ही लगा, क्योंकि ये जो जाली थी ना उसमें बहुत सारी जो धूल है वो बैठ गई थी, तो काफ़ी अच्छे से इसको साफ़ किया। और ऐसी चीज़ों में ना टाइम लगता ही है। और खिड़की साफ़ कर दी, अब यहाँ पे बच्चों ने अलमारी पर से जो सारा सामान है वो उतार दिया है, आराध्या पकड़ा रही है और जय रख रहा है। तो इस तरह से जो छोटे मोटे काम हैं वो ये भी कर देते हैं, तो हमारा काम बन जाता है और बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसे छोटे मोटे काम करके। और अब जो सोफ़े हैं उनको भी अच्छे से झाड़ लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे ही रखे हुए थे ना, और थोड़ा सा मतलब काम हुआ है बाद में भी घर में, तो धूल तो बैठ ही गई है इनके ऊपर भी। तो सोफ़ों को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, और अब यहाँ पर जो अलमारी है उसका सारा सामान बच्चों ने उतार दिया था, इसको मैंने कपड़े से पोंछ करके बाद में कोलिन से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे सोफे के बीच में जितना स्पेस था उसी के नाप की हमने ये टेबल बनवाई है, इस पर मतलब कुछ भी अपना प्लांट्स और जो भी शोपीस हैं वो रखने के लिए। तो मतलब जितनी जगह थी ना सारी इसने कवर कर ली है सोफ़ों के बीच की। और अब यहाँ पे ये जो प्लांट्स है वो रख दिया है, इसके नीचे मैंने एक थाली रख दी है, क्योंकि मेरे पास प्लेट तो है नहीं, और क्योंकि थोड़ा बहुत जो पानी है ना वो नीचे आ जाता है, कई बार हम प्लांट्स में डालते हैं तो वो मेज़ के ऊपर नहीं जाएगा, थाली में ही रह जाएगा। और अब यहाँ पे ये जो दीवान है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और इसके ऊपर फिर जो गद्दा है वो डाल दूँगी। तो दीवान को साफ़ करके यहाँ पे जो गद्दा है वो लगा दूँगी। और इस गद्दे पे ये जो ऊपर कपड़ा लगा हुआ है ना ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो जो गद्दे हैं ना जो डबल बेड के हमने लिए थे, क्योंकि वो मैं साथ में गई थी तब लिए थे, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं उनके ऊपर जो कपड़ा है, लेकिन इसका मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये खुद नहीं देखते, ये बस दुकानदार को बोल देते हैं कि ये चीज़ लेनी है, वो फिर अपनी मर्ज़ी से चाहे जैसी भी चीज़ दे दें।
तो मैं बोलती हूँ कि ये आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लेकर के आए। मेरे हिसाब से इन्होंने ये ना फ़ोन पे ही बोला था उनको कि पहुँचा देना, क्योंकि हम गए थे ना उस दिन स्लिप वेल का था नहीं सिंगल बेड का, तो बाद में आए थे, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये भेज दिए। और अब यहाँ पर जो सोफ़े के कवर हैं मैं वो भी लगा दूँगी। और मेरे पास कमेंट आए थे कि सोफ़े के कवर चेंज कर लो, अच्छे नहीं हैं। तो देखिए जी, चेंज होंगी सारी चीज़ें, लेकिन आराम से होंगी, धीरे धीरे होंगी, एकदम से तो हम इतना कुछ नहीं कर सकते। देखिए घर भी बनाया है, सामान भी लिया है, तो इतनी बड़ी तो हमारी कमाई भी नहीं है कि सारी चीज़ें ही चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चेंज सब कुछ होगा। तो क्लीनिंग सारी अच्छे से हो चुकी है, झाड़ू पोछा और जो भी काम होता है सारा। अब थोड़ा सा काम रहता था मेरा, ये जो लड़ियाँ मेरे पास रखी हुई थी, वैसे ये मेन गेट पर लगेंगी और मंदिर पर लगेंगी, लेकिन रखी हुई थी तो मैंने बस वैसे लगा दिया है इनको टेम्परेरी, बाद में ये कहीं और सेट होंगी। और जो यहाँ पे मेरे पास ये जो घोंसला था, इसमें मैं ये जो लाइट है वो डाल दूंगी, क्योंकि मेरे पास ना 4-5 लाइट रखी हुई हैं दीपावली पर हम लेकर के आए थे। तो एक लाइट मैंने पाम ट्री पर लगा दी है और एक लाइट मैंने इस जो घोंसले के अंदर डाल दी, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है इस तरह से हम करते हैं। तो और जो मनी प्लांट है वो डाल दिया इसके अंदर। और जब मनी प्लांट बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि अभी मेरे पास से प्लांट्स कम है, मैं इनकी इतनी देख रेख भी नहीं कर पा रही हूँ, जब ये नीचे तक आएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। कमांड हुक मैंने लगाया था, लेकिन ये जो कमांड हुक है ना वो 2-3 जगह चिपका दिया, क्योंकि मिस्त्री लगे थे ना, उन्होंने वहाँ से उतार करके दूसरी जगह पे चिपका दिया, तो इसका मतलब इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है अभी ये। तो नया जो कमांड हुक है वो लेकर के आऊँगी मैं, उस पर इसको लगाऊँगी। और अब यहाँ पे जो फूल है वो लगा रही हूँ मैं। और यहाँ पे ये मेरे पास एक बड़ा सा कांच का बाउल है, तो इसमें भी मैंने जो पानी डाल करके फूल डाल दिए हैं, ये देखिए बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से अगर हम डेकोरेट करते हैं। और देखिए इसमें हमारा कुछ भी नहीं लगता है ना। और यहाँ पे जो कैंडल हैं वो भी जला दी हैं। राम राम जी। तो ड्राइंग रूम बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग की है, और जो भी सामान मेरे पास था घर पर उसी से मैंने इसको डेकोरेट किया है, यानी उसी से इसका मेकओवर किया है, कुछ भी ऐसे स्पेशल नहीं लेकर के आए हैं। और देखिए कोई ये नहीं है कि भाई बहुत ही जो कॉस्टली शोपीस होते हैं उससे इसको डेकोरेट किया है, बिल्कुल जो 100-200-300 रुपए वाली चीज़ या फिर घर पे ही हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं उसी से मैंने इसका मेकओवर किया है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ। तो हम यहाँ से इस साइड से शुरू करेंगे। अब एंट्री गेट से आते ही यहाँ पे मंदिर रखा हुआ है, और मंदिर को अभी डेकोरेट नहीं किया है, ऐसा ही है। तो कल जन्माष्टमी है, कल हम इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे और फिर आप लोगों के साथ जो वीडियो है वो भी मैं शेयर करूंगी। बस इसके आगे एक ये जो रनर है वो डाल दिया है, ऐसा ही मैच का। मैं जो सामान मैं नया लेकर के आई थी वो मतलब कि मैं इसी उसमें लेकर के आई हूँ, ग्रीन ग्रे और व्हाइट, तीन जो चीजें मिलेंगी। बाकी जो पहले की है जो मैं नहीं चेंज कर पाई, तो वो धीरे धीरे हम दीपावली तक हो सका तो सारी जो चीजें हैं वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आगे ये जो रनर है वो डाला हुआ है, और यहाँ पे ग्रीन दीवार के साथ ये जो मैच करते पर्दे लगाए हैं, दो विंडो है यहाँ पे बाहर की तरफ काफी बड़ी सी। और बस यहाँ पे ये कुछ जो रड़ियां मेरे पास थी वो मैंने वैसे ही लगा दी है। ऊपर जो लैंप है वो लगा हुआ है, ये वैसे लगा रखा है, इसको हटाना है, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, जो बच्चों का मतलब जो चार्ट लगा रखा है। और यहाँ पे ये है दीवान, और जो दीवान का कलर है वो हमने ग्रे ही रखा है, और इसके ऊपर जैसे हमारा मतलब जो ड्राइंग रूम की थीम है व्हाइट और ग्रीन, उससे ही मैच करती हुई बेडशीट डाली है। और बस ये इस तरह से मैंने इसको सेट किया है। और उसके बाद ये जो सामने की दीवार है इस पे यहाँ पे एक जो बुद्ध है उसकी मूर्ति लगा रखी है, और दीवार पर इस तरह से हमने ये जो डिजाइन है वो बनवाए थे। और यहाँ पर रखे हैं सोफे, सोफे का जो मतलब कि ऊपर का जो कपड़ा है ना वो मैं चेंज करवाऊंगी दीपावली पर, अब भी कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया, तो ग्रे कलर का जो कपड़ा है वो इसके ऊपर लगवाना है। तो बस यहाँ पे ये जो कुशन है वो रखे हुए हैं, और मैं बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि बाद में ना फिर मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी ये चीज कितने की लेकर के आई, ये चीज कितने की लेकर के आई, तो मैं शुरू से ही आपको बता देती हूँ, मैं भूल गई थी बीच में। मंदिर हमारा आया था 7,000 का, ठीक है, ये रनर आया था 100 रुपए का जो नीचे मैंने डाल रखा है, और ये जो पर्दे थे वो पड़े थे वहां से हमें ये 350-400 का एक पर्दा ऐसे ही पड़ा था, वीडियो में मैंने बता रखा है। तो ये पर्दे हैं, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, क्योंकि जहां पर मैं गई थी ना पानीपत से शॉपिंग करने के लिए,
तो मेरे को पसंद नहीं आई थी वहां पे दीवान का जो सेट था, और यहाँ पे तो आराम भी नहीं, और एक कलर का भी थोड़ा सा होता है ना, कलर भी देखना पड़ता है। तो फिर ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी और इसका रेट भी ठीक था, 600 रुपये में ये बेडशीट और ये 5 कुशन और 2 ये क्या बोलते हैं इनको, मतलब ये सारा जो पूरा सेट है वो 600 रुपये में आया था। तो ये और कपड़ा भी अच्छा है, काफी अच्छा है, और डिजाइन तो आप लोग देख ही सकते हो कैसा है, ठीक है। और ये जो कुशन है वो मैं लेकर के आई थी 300 के 5, ये वाले, और ये भी 300 के 5 थे, ये मैंने काफी टाइम पहले फ्लिपकार्ट से ही मंगवाए थे ये वाले भी। और ये मैंने दीपावली पर खरीदी थी, इसका रेट मुझे ऐसे ही होगी, ये 100-150 की ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे ये जो रनर लगाया हुआ है मेज पर, ये भी 150-200 का कुछ ऐसा ही पड़ा था, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि पास से जब हम देखते हैं ना हाथ लगा के तब पता चलता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। वहां पे मैंने सारा सामान इकट्ठा लिया था तो लगा दिया था उन्होंने, और ये 100-150 रुपए की ट्रे आई थी, ये भी कुछ इसी रेट का है। और ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये वाला, ये मैं राखी पर जब राखी लेने गई थी ना तो वहां पे रखा हुआ था और मेरे को पसंद आ गया। ऐसा हो नहीं सकता भी मैं जाऊं और कुछ चीज पसंद ना आए, तो ये पसंद आ गई थी, उन्होंने बोला था 100 और इसके ऊपर रेट भी 100 ही लिख रखा था, लेकिन फिर उन्होंने मतलब मैंने कहा कि नहीं इतना तो नहीं है, तो फिर उन्होंने मुझे ये 80 में, लेकिन पैसे मैंने उनको 70 रुपये ही दिए थे, तो 70 रुपये में हम ये लेकर के आए हैं 100 से, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि 70 रुपये में इसमें कोई नुकसान, आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा, ये देखिए पीछे से भी है ना। तो इसमें मैंने मनी प्लांट लगा दिया है और यहाँ पे टेबल पे रख दिया है, और ये कैंडल होल्डर है, ये वैसे तो लाइट वाला है, मैंने सिर्फ जो मतलब बिना लाइट के होते ना वो मंगवाए थे, लेकिन मिले नहीं तो ये ले आए थे, ये 150 रुपये का आया है लाइट वाला, बिना जो लाइट के आते हैं वो इससे भी सस्ते आते हैं। और यहाँ पे अब आती है इस कॉर्नर दीवारी, तो यहाँ पे मेरे पास ये पोर्ट रखा हुआ था और थोड़ा सा मैच करता ही मैंने लिया है ये, बाकी तो मेरे पास और भी है लेकिन ये मैच हो रहा था। इसमें मैंने जो पाम ट्री है वो लगा दिया है, और ये पाम ट्री आया है, ये 100 में भी आते हैं, अगर थोड़ा सा जैसे हमने थोड़ा सा बड़ा लिया तो 150 रुपये में, अगर हम जो मतलब कि आर्टिफिशियल रखते हैं ना शो पीस फ्लावर्स कुछ भी, तो उनसे ज्यादा अच्छे ये लगते हैं। आप आर्टिफिशियल की जगह जो रियल प्लांट होते हैं ना वो रखिए, और इसके ऊपर ये जो लाइट है वो लगा दी, ये भी मेरे पास रखी हुई थी, दीपावली पर ली थी हमने कई सारी लाइटें, और ये मैंने पहले ही ले रखा था, एक जो घोंसला है इसमें भी मैंने लाइट डाल दी है, देख सकते हो आप लोग। ये साइकिल ली थी, इसका भी रेट मैंने बताया था कितने की थी पता नहीं, ऐसे ही थी 150 रुपये के आसपास होगी, कुछ ज्यादा महंगी नहीं है। और इसमें भी एक जो मनी प्लांट है वो लगा दिया है, और ये थोड़ा सा मैंने दीवार पर लगाया था लेकिन यहाँ पे हो गई दिक्कत, क्योंकि कुछ चीजें हो जाती हैं, है ना। और ये लाफिंग बुद्धा रखा हुआ है यहाँ पे, ये एक जो काऊ है वो रखी हुई है, देखिए बहुत अच्छी लग रही है, और यहाँ पे पैरट रखे हुए हैं, और यहाँ पर एक जो चीनी मिट्टी की प्लेट है मेरे पास, उसमें जो फूल है वो रख करके जो कैंडल है मैंने वो जला दी है, ठीक है। यहाँ पर फिर ये जो सोफे हैं वो रखे हुए हैं, और यहाँ पे ये रखी हुई है अलमीरा, जिसमें मैं नीचे का जो है उसमें जूते रखती हूँ, फिर मेरे माँ काका के कपड़े होते हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं, और ऊपर का जो बड़ा है उसमें सारी बेडशीट कुशन और कुशन कवर ये सारी जो चीजें हैं वो होती हैं, गलीचे होते हैं, रनर जो भी होते हैं वो। और यहाँ पे ये ऊपर एक प्लांट्स रख दिया है, ये भी लाफिंग बुद्धा रखा हुआ है, एक जो बोतल में मैंने कुछ जो ये फ्लोर्स थे मेरे पास वो लगा दिए हैं, और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम और जो 2 गड़ा हम लेकर के आए थे वो है। तो एक बार अच्छे से पूरा जो मतलब कि ड्राइंग रूम उसका लुक दिखा दो। और हाँ एक चीज रहती है बतानी, मैं बता देती हूँ, ये हम लेकर के आए थे 300 रुपये का, वैसे ये 150, 165, 200, 250 मतलब कि सब रेट में आते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कितने तक लेना चाहते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं ये लगे हुए इस तरह से, ये देखिए ये 300 रुपये का आया था, क्योंकि इसका कलर मेरे को काफी पसंद आया था, और ऊपर जो लैंप है वो आए थे 600 के 2, एक दूसरी साइड लगा हुआ है, लेकिन वहां पे पता नहीं इसकी जो लाइट है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो मेरे हिसाब से मैंने जो सारी चीजें हैं वो दिखा दी हैं, ये भी दिखा दो।
और यहाँ पे ना ये एंट्री करते हैं हम गेट में, तो उसके ऊपर ये जो मतलब घोड़ों की जो मूर्ति है वो लगी हुई है, सात जो घोड़े दौड़ते हुए, काफी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन मेरे को बताइएगा कि ये ठीक दीवार पर लगे हुए हैं, क्योंकि ये पूर्व की दीवार है। दिखा दिया है मैंने आप लोगों को, जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा। काफी मेहनत की है और काफी जो मतलब हमारे बजट में जो चीजें होती हैं उससे मैंने इसको डेकोरेट किया है। कुछ भी ऐसा नहीं कि जो महंगा, सारे 100, 200, 300, इन चीजों से आप भी अपने जो घर को डेकोरेट कर सकते हो। और पसंद आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो दिल से चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम भी काफी आगे जाएं, तो इस वीडियो को हो सके जितना शेयर करें अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे, और भी जहाँ पे अभी आप कर सकते हैं वहां पे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो देखते हैं कि कौन कौन शेयर करता है और कितना प्यार आप लोगों से हमें मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, अपना ध्यान रखना।